ये हमारे पिज्जा की अभी जैन बैठे हुए इनके साथ, मामू यहाँ पे खड़े हुए। आज मौसम जो है वो धूप निकली हुई है, देखें। और कीले लानी पड़ेंगी, है ना? ये लें कीले। ये लो शाहजैन, ये वाली, ये लें। जामन का दरख्त है और अभी इसमें ना जून जुलाई में तो ज़बरदस्त किस्म के जामन निकलने वाले हैं। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हमारे यहाँ पर अंगूर की बेलें थी और अमरूद का दरख्त था, पर अब नीचे का पोर्शन जो है ना वो बना है, नीचे का ना, तो ये सब क्यारी और मिट्टी वगैरह जो है ना वो ख़त्म कर दिए। अस्सलाम वालेकुम हमारी YouTube फैमिली के, आई होप कि आप सब कैरियर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कैरियर से हैं। ये जो इस वक्त हमने ग्लासेस बनने दी थी वो मेरी और जमाल की जो ग्लासेस हमने बनने दी थी उसको पिक करना है, फिर हमने अपनी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पिक करनी है। उसके अलावा शाहजैन का बैटरी फैन जो है उसका एक पंखा जो है वो टूट गया था, उसको भी देने जाना है। मुख्तलिफ चिलचिलाती हुई धूप है, पहले पानी ले लेते हैं क्योंकि हाँ, मामू भी हैं और ये भी हैं। शेजी गाड़ी में क्या लेकर आया है पंखे के लिए? बस लाया, दिखा दो ना फ्रेंड्स को। अभी पंखा लेकर आया हुआ था, पंखे से अपने फेस पे हवा दे रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आपके चैनल को लाइक नहीं करेंगे। दिखाओ, निकाल रहा है, दिखाओ फ्रेंड्स को। आपके फेस पे गर्मी ना आए, पसीना ना आए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? ये करते हैं, ये इसका फैन है, दिखाएं कैमरे में, दिखाओ फेस पे डालो, दादा के फेस पे हवा दो, दादा को गर्मी ना लगे। ठीक है ना, दादा को गर्मी लगेगी ना शर्जी को गर्मी लगेगी। चीजें ले ली कि ये अच्छा की है, रास्ते में डिस्टर्ब ना हो, आराम से चीजें मिल गई। शर्जी जो है ना लीव्स पर्पल है ना, और ये बहुत खूबसूरत लग रही है। जमाल ये है ना, यहाँ से आप जा सकते हैं ना। आपका बस चलो तो मुझे खच्चर में भेजे कि भैया ये भी जाती है पिशावर, इसमें चले जाए आप। हमारे से बात नहीं, खच्चर में मुझे पता है तुम्हारा, आपको मैं भेज रही हूँ प्लेन में यार। तुम्हारा बस चले तो मुझे खच्चर में भेजो। जैसे बात अबू की कॉल आ गई, पूछ गया तो खच्चर में बैठ के चले जाएंगे, घास आके गाजर मूली उठका के गधे की। अभी जमाल ने कल खाना भी बनाना होगा हमारा, मेरा शेजी का, कि बेगम साहब है कोई तकलीफ ना हो, उनके हाथों में नींदी लगी है, खाने पकाने से कासिर हैं वो। शोहर अभी एक महीने का खाना ही पकाएगा कि बेगम को किसी तरह की तकलीफ ना हो। जी, और जो भाई आजाद हमारा ब्लॉग देख रहे हैं वो भी अपनी बीवियों की इसी तरह कदर करें, ठीक है, अपनी बीवियों के साथ मिलकर जो है वो काम करें, ठीक है। और मेरा हम मिलके अपने हस्बैंड के साथ मेरा मशवरा ये है कि शादी जब आप करने जाया करें तो काकने में तो खाना पकाने ही नहीं आता है। अंडा यार शोर आ रहा है आपको, हमारी आवाज़ सही आ रही है। माइक हमने कब से लिया है लेकिन बार बार लगाना भूल जाते हैं, और फिर जब शाहजैन से छुपाते हैं हम लोग तो खुद भूल जाते हैं। और मेरी अच्छा, लेकिन वैसे मुझे अपनी सिटी की ना सबसे अच्छी बात यही लगती है रावलपिंडी से, एक दो दिन गर्मी हाँ। पड़ती है, उसके बाद मौसम प्लेजेंट हो जाता है। यही वो एरिया जहाँ पे हम डाइवो बैठ के मानसेरा जाते थे ना, याद है? हाँ, तो मेरी शादी थे जी, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो नहीं नहीं शादी हुई हुई थी, डाइवो के मजे लेते थे हम लोग। गाड़ी नहीं थी, मैं कराची से आया था गाड़ी बेच के, तो पिंडी मेरी मानसेरा में बस गाड़ी नहीं थी, बाइक थी 150 शुरू की जो अभी भी है। शादी के शुरू में मैंने 3 महीने इनके साथ बाइक पे गुजारे, उसके बाद बाइक के बाद ऐसे उसका मज़ा अपना ही होता था, याद है तेज तेज बारिश हो रही होती थी, हम दोनों जा रहे होते थे, शाहजैन नहीं था उसमें, इससे हमें बहुत मज़ा आता था। जमाल घुमाते थे वहाँ पे मानसेरा की पहाड़ियों में, मैं बाइक पर होती थी इनके साथ, लेकिन मानसेरा में जगह बहुत कम है, जगहें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन लोग हैं, तो हमें ज़रा अजीब सा लग रहा होता था कि ऐसा लगता था कि सब हम ही देख रहे हैं, हालांकि इस तरह होता नहीं है, वो हम ज़्यादा कहते हैं कॉशन एक हो जाता है ना, खाली डाइवो का ये डाइवो स्टेशन है। जमाल हम कितने साल बाद आए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे? मैं 4-5 साल बाद आ रही हूँ। ज़्यादा शाहजैन में वो तकरीबन 6 साल, 6 साल, 6 साल शादी को है ना, 7 साल हो रहे फ्रेंड्स। ये दाइवो गड्ढा है,
आजकल डिग्गी फैला हुआ है, उसकी हिदायत चल रही है। ये रोड हमारी कासिम मार्केट की जा रही है और ये हमारी रेस कोर्स की जा रही है और हमने सीधा जा रहे हैं सदर। सदर में जाके हमने क्या करने भागते भी नहीं है, ये घोड़े यहीं पे हैं। इतने अच्छे से इन घोड़ों को देख रहा हूँ यहाँ पे मैं, इतने वफादार हैं कि माशाल्लाह मेरे तो बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मैं भी चलिए, आप अभी पहन लो, आपको नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह नजर को ठीक करे, आमीन। कैसे लगी? अच्छी लगी इंशाल्लाह। फ्रेंड्स थोड़े से दिनों में मेरा चश्मा बनवाया है, मेरी ग्लासेस जो हैं उतर जाएंगी। अब आप ड्राइविंग सीखने की कर रही हैं, दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। जब आप स्टीयरिंग के पीछे हो तो कभी आप घबराएं नहीं, गाड़ियाँ इधर से भी आएंगी, उधर से भी आएंगी, लोग भी बीच में आएंगे, ठेले वाले, रक्षा वाले, टांगे, गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली सब आएंगे बीच में, लेकिन आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे इमरान खान कहता था कि आपने घबराना नहीं है, दूसरी बात यह कि कभी अपनी नर्व्स को लूज़ ना करें, कोई आपको हॉर्न दे, गालियां दे, कुछ भी करे, क्योंकि आपने अपने आप को सेफ़ रखना है और सेफ़ तरीक़े से आपने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो आपकी नर्व्स अगर ख़राब हो जाएंगी, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो फिर आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, आपसे गाड़ी नहीं चलेगी। और स्पीड हमेशा लिमिट में, कभी ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करें गाड़ी को। कितना दे रहे हैं बयान से बाहर है कि इस वक्त किस कदर ज्यादा जो है वो गर्मी हो रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। जी क्या हुआ जमाने यहाँ पे? मुझे नहीं पता क्या हुआ है। वो मूवी बना रहे इस गर्मी में, एक लड़के ने जैकेट पहनी हुई है जबरदस्त, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। This one. बस आ रही है सर। जी जी। आप लोग ये नए लगाएंगे? लेबर डे भी है, आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी लेबर्स डे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसे पसीना खुश होने से पहले अदा करो। और हम ग्रॉसरी अभी इस वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि मामू जो है वो घर पे अकेले हैं, वो बूढ़े हैं, और चाय का वक्त उनकी हो रहा है, हालांकि अभी मगरिब हुई है लेकिन फिर भी उनकी चाय का वक्त हो रहा है, इसलिए हम अपनी ग्रॉसरी को भी स्किप करते हैं। अगर आप सब लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हुआ हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और उसे लाइक भी कर दीजिएगा। और हम सबको दुआ में याद रखिएगा, जैसे हम सब आपको अपनी फैमिली की तरह लेते हैं, आपसे हर बात जो है वो तकरीबन अब शेयर करना स्टार्ट हो गए। तो हम सबको दुआ में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सर्व करते हैं ये तुलसा चौक में बिग डैडीज़, हमारा एवर फेवरेट पिज़्ज़ा स्टॉप है। प्लस सिटी के पास बहुत सी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इतनी कंट्रीज़ घूमने के बाद पाकिस्तान में जो बाहर का टेस्ट मिला, जो कि ओरिजिनल पिज़्ज़ा तकरीबन 98% ओरिजिनल पिज़्ज़ा की टेस्ट है, वो मुझे बिग डैडी मिला। और बड़े बड़े यहाँ पर नाम हैं, इवन चीज़ियस से लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनमें वही रिवायती पिज़्ज़ा और दूसरी चीज़ें उन्होंने ज़्यादा डाली हुई हैं, लेकिन जो एक ओरिजिनल टेस्ट होता है आपके डो का, ब्रेड का, अदर इंग्रेडिएंट्स, प्लस इनकी चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है हमेशा। जी फाइनल लुक ये है हमारे पिज़्ज़ा की, अभी ओवन से फ्रेश बेक निकला है और इसका अरोमा ऐसे निकल रहे हैं कि वैसे ही मुँह में पानी आ रहा है। चलें, थैंक यू वेरी मच।
ओके।